आप लोगों को क्वेश्चन नंबर A4 है, उसमें दिया गया है फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स फाइंड है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे? x, x+2, x+4 और x+6। चार बोला था इसलिए 1, 2, 3, 4 ये आपके कंसेक्यूटिव चार एंगल्स होंगे जिनका सम कितना होगा 360। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर A2 देखिएगा, सेम वैसा का वैसा ही है, इसको भी आपको वैसे के वैसे ही करना है। मैंने आपको चार से बता दी है, इसको प्लस करके इक्वल टू 360 करके x की वैल्यू निकालनी है, चार एंगल निकालना है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फिल इन द ब्लैंक्स जो है मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आज आप लोग इसको कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आंसर शीट आपको सेंड करूंगा। आपको जो बुक के आगे के कुछ पेजेस वगैरह हैं वहां से उसको पढ़कर इनको फिल करना है। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग उसको आपने प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर इसको प्रॉपरली देख के उसको फिल करोगे तो सही सही होगा, आपको उसकी टर्म समझनी है। मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर S1। आप देख सकते हो इसको, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वाले वीडियो में कि पैरेललोग्राम मतलब जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो, मतलब सेम डिस्टेंस पर हो, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें से एंगल ए डी सी बी और यहां पर जो डी दिया गया है 3x-5 और बी दिया गया है 2x+35। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम में हमेशा आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, सॉरी एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मतलब ए एंगल होगा इक्वल किसके? सी के। बी एंगल इक्वल होगा किसके? बी के। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले एंगल बी और डी निकालूंगा क्योंकि यहां पर एक्स दिया हुआ है। तो यहां पर मैं एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी की वैल्यू कितनी है 3x-5 और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 2x+35। 2x² उठा के लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, -5 को उधर उठा के ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, 3x + 2x जाएगा, कितना बचेगा x 35 + 5, कितना हो जाएगा 40। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हमें एंगल निकालना है, एंगल किस तरीके से निकालेंगे? एंगल d इक्वल टू कितना दे रखा था हमें 3x-5। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है 40 - 5। बोर्ड मास्टर रूल लेकर लगाएंगे, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस, इनटू करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। क्लियर है सभी को? मैंने कहा था एंगल डी एंगल बी के इक्वल होता है, तो एंगल बी की वैल्यू भी 115 ही निकलेगी। आप इसको आप वहां पे कीजिएगा आपकी कॉपी में, मैं यहां पर एक शॉर्ट में बता देता हूं या करके ही बता देता हूं। चलिए 2 × x की वैल्यू कितनी है 40 + 35, तो 80 + 35, तो ये कितना हो जाएगा 115। एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 115। क्लियर है सभी को? लेकिन अभी भी हमारे पास में दो चीजें और अभी बची है, ए और सी, इन दोनों को भी हमें निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इतना आप लोग उतार लीजिएगा, फिर वापस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एंगल अभी चारों क्वाड्रिलेटर हो गए, जिसमें से आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों का सम कितना आएगा हमेशा 360। क्लियर है सभी को? चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360, जिसमें ए और सी दोनों इक्वल है। तो हम ए को और सी को मान लेते हैं एक्स, जब दोनों इक्वल है तो इसको भी मैं एक्स मान लेता हूं, न्यू एक्स या एक्स डैश मान लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये भी एक्स डैश, ये भी एक्स डैश हो गया। अब एंगल बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एंगल सॉरी यहां पर ये एंगल बी था, एंगल बी की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है वो 115। तो यहां पर 115
प्लस 115 इक्वल टू 360 डिग्री, x डैश कितना हो जाएगा 2x डैश प्लस 115 प्लस 115 कितना हो जाएगा आपका 5 5 10 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 30 इक्वल टू 360, 2x डैश इक्वल टू 360 माइनस 230, 2x डैश इक्वल टू 260 में से 230 गया कितना बचेगा 6 में से 3, 2 में से 1 1, तो x डैश की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 65 डिग्री, मतलब आपका एंगल C और एंगल A, एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 65। क्लियर है आप लोगों को सभी में? तो यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखिएगा कि जब भी पैरेललोग्राम होता है तो उसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर और रेक्टेंगल और कोई भी हो तो उनके चारों तीन एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको इस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।